नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल झा और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस हिंदी वर्ड चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको अपना सीएससी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट सूचना देने वाले हैं जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आप भी एक सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं या फिर आप भी एक बीएलई हैं तो आपको ये सूचना जानना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं क्या है ये सूचना, तो फिर इस वीडियो को जो है लास्ट तक का देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे वीएलई भाइयों को बहुत सारे मेल आ रहे हैं जिसमें उनसे कहा जा रहा है कि आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके का मेल अगर आपको भी आया है तो आपको सतर्क रहना होगा, आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि सीएससी ने ऐसा कोई मेल नहीं किया है। तो देखिए, अभी कुछ टाइम पहले आपको सीएससी की तरफ से जो है नोटिफिकेशन आया होगा, यानी कि आपको एक जो है न्यूज़ लेटर मिला होगा जिसमें आपको बताया गया होगा। ये देखिए, इस तरीके से न्यूज़ लेटर आया होगा। ये देखिए, इस तरीके 14 मार्च को अगर आया है, अगर आपको नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे पहला आपको खोला अटेंशन वीएलई, यहाँ पे आपको इसे ओपन करना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, अटेंशन वीएलई ईयर ऑफ फ्रॉड वेबसाइट। ठीक है, आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं, वीएलई कृपया ध्यान दें, धोखाधड़ी वाली साइटों से सावधान। दोस्तों, ऐसा मेल सबको आया है, मुझे भी आया था और भी जो मेरे वीएलई हैं उनको भी आया था, क्योंकि उन्होंने कमेंट में पूछा था कि सर मुझसे कहा गया है कि मुझे अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। ऐसा सभी वीएलई भाइयों को मेल आ रहा है। तो देखिए, आपको ध्यान देना है, ये मेल सीएससी ने नहीं किया है, क्योंकि अगर सीएससी करता भी तो यहाँ पे देखिए जो उनका लास्ट में होता, यहाँ पे लिखा होता csc.gov.in, यहाँ पे जो लास्ट में एक्सटेंशन होता, यहाँ पे csc.gov.in लिखा होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो मेल आया है वो सीएससी की तरफ से नहीं है। ये जो फ्रॉड वेबसाइट होती हैं, ये आपको ऐसे जो है मेल भेजती हैं, और जब आप इन पे अपना प्रोफाइल अपडेट कर देते हो, यहाँ पे अपना सीएससी आईडी डाल देते हो, अपना पासवर्ड डाल देते हो, तो वो सारी जानकारी जो है इन फ्रॉड वेबसाइट के पास पहुँच जाती है, और फिर वो क्या करेंगे, आपके आईडी और पासवर्ड का गलत यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मिस यूज़ कर सकते हैं, और इसकी वजह से फिर जो आपका सीएससी का जो अकाउंट है वो भी आपका बंद हो सकता है, क्योंकि सीएससी को अगर लगता है कि इसमें फ्रॉड हो रहा है तो सीएससी आपकी आईडी जो है बंद कर देगी। तो देखिए, इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट भी देख लीजिए एक बार, इस तरीके से मेल आ रहा होगा। ठीक है, इसमें लिखा होगा अपडेट योर प्रोफाइल, एक्शन रिक्वायर्ड, अपडेट योर सीएससी प्रोफाइल। ठीक है, तो ये मेल सीएससी ने नहीं भेजा है। और दोस्तों, बहुत सारी ऐसी फ्रॉड वेबसाइट आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी जो कि सीएससी के जैसी ही दिखती हैं, लेकिन जब आप उस पर रियल में काम करते हैं तो वो सीएससी की वेबसाइट नहीं होती है। तो आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी भी फ्रॉड वेबसाइट पे यूज़ नहीं करना है, केवल आपको सीएससी की जो वेबसाइट है उसी वेबसाइट पे यूज़ करना है, बाकी किसी भी वेबसाइट पे आपको यूज़ नहीं करना है। तो देखिए, सीएससी का वेबसाइट आप देख सकते हैं और सीएससी का सर्वर भी देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी वाला है। ठीक है, इसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो इस जैसा पैसे तो कोई बन ही नहीं सकता। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा, अगर यहाँ पे डिजिटल सेवा है तो थोड़ा बहुत डबल ए हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, इसे आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपको इस URL में विशेष ध्यान देना है कि ये सीएससी की वेबसाइट है या फिर नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि सेम ऐसे ही वेबसाइट रख लेते हैं, सिर्फ इसमें यहाँ पे देखिए जैसे SEE है, यहाँ पे सिंगल ई है, वो वहाँ पे डबल ई कर देंगे, तो वो ऐसी ही दूसरी वेबसाइट बना लेंगे। फिर जब आप उस पर लॉगिन करोगे तो जो आपका आईडी और पासवर्ड है वो वहाँ पे सेव हो जाएगा, और फिर जब वो वही लोग जिनकी वो वेबसाइट होगी वो उसे फ्रॉड करके लॉगिन कर लेंगे और आपके अकाउंट से आपका पैसा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मिसयूज़ हो जाएगा और आपका जो है सीएससी पोर्टल भी बंद हो जाएगा और आपको बेहद ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ध्यान देना है, बिल्कुल जानना जरूरी है आपको कि आपको किसी भी फ्रॉड वेबसाइट पे लॉगिन नहीं करना है। ठीक है, आपको सही सीएससी की वेबसाइट पे ही लॉगिन करना है। तो ऐसी किसी वेबसाइट पे आपको लॉगिन नहीं करना जिसमें आपको डाउट लगे, संदेह हो आपको, ऐसे किसी वेबसाइट पे आपको लॉगिन नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कोई मेल आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे सिंधी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, जैसे कि हर एक वीएलई को इसके बारे में जानकारी हो सके तो वो व्हाट्सअप और फेसबुक पे से जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।